हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस सेशन ऑफ JKSSB JEE मैकेनिकल। और कल आपने पढ़ा है इस गियर के बारे में, जो हमने कल पढ़ा उसका नाम था इनवोल्यूट प्रोफाइल। मैंने आपको अच्छी तरह दिखाया, एक उस थ्रेड की एग्जांपल भी दिखाई आपको कि किस तरह से अगर हम उस थ्रेड को उठाते हैं, डिस्टेंस पहले शॉर्ट होती है, जितना हम उसको रोटेट करते हैं वो सेंटर से उतना उस बेस सर्कल से उतना दूर चला जाता है, उसी तरह से हम उस प्रोफाइल को जनरेट करते हैं। किस प्रोफाइल को? इनवोल्यूट प्रोफाइल को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, साइक्लोइडल प्रोफाइल। व्हाट इज अ साइक्लोइड प्रोफाइल? मैथमेटिक्स में हमने देखा होगा कि साइक्लोइड जो है वो किस शेप में होता है, इस तरह से साइक्लोइड। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले क्या जानना है, इनवोल्यूट प्रोफाइल जो है वो किस चीज पे बनता है? बेस सर्कल पे। और ये जो ये साइक्लोइडल प्रोफाइल है ये किस चीज से बनता है? इट इज ऑलवेज मेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन फ्रॉम JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू। वहां पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इनके जो डिफरेंस है उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, जितना मेरी तरफ से हो सके मैं इसको, ताकि इसको एलाबरेट करके पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि किस तरह से एक्चुअल में ये गियर्स क्यों आए, वजूद में क्यों आई। आपने देखा उसमें हमारे पास एक ड्रॉबैक निकला इनवोल्यूट प्रोफाइल में। इनवोल्यूट प्रोफाइल गियर में क्या ड्रॉबैक निकला? इंटरफेरेंस का। उसके बाद क्या किया हमने? अंडरकट किया, वो भी एक वर्स्ट मेथड था। उसके बाद ये वजूद में आया जब जो चीज थी, जब उस चीज की जरूरत पड़ी तभी ये वजूद में आया। क्या? साइक्लोइडल प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। मैंने इस सर्कल का यहां पे एक पॉइंट कंसिडर किया यहां पे और इसको रोटेट कराया। इस पॉइंट को क्या किया मैंने यहां पे कंसिडर और इस सर्कल को रोटेट कराया। ये पॉइंट पहले इस तरह से, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। यह पॉइंट क्या करेगा? यह रोटेट करेगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अगर मैं इसका एक बहुत बड़ा प्रोफाइल बनाऊंगा, आपको उसमें अच्छी तरह समझ, डायग्राम में आप देख ही रहे होंगे, आप डायग्राम्स में जो मैंने बताया आप डायग्राम में देख ही रहे होंगे, तो इसका प्रोफाइल जब ये पहले यहां पे था, फिर यही पॉइंट यहां पे आएगा, फिर यही पॉइंट यहां पे पहुंच जाएगा, फिर यही पॉइंट यहां पे आएगा, फिर अपनी जगह पे, तो इसका प्रोफाइल इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा इसका प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे, अब मैं यहां पे आपको समझाता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूं और इसको रोटेट कराता हूं, इस सर्कल को, जब तक ये पॉइंट वापस इस जगह पे पहुंच जाएगा, ये अपनी एक पाथ बनाएगा। ये जब मैं इसको रोटेट करता हूं यहां पे, इस सर्कल को यहां पे रोटेट कराऊंगा, तो यहां से यहां तक वापस पहुंचने की उसके लिए ये एक पाथ बनाएगा। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट पहले यहां थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, फिर यहां आएगा ये पॉइंट, फिर यहां, 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 इस तरह से फिर यहां पहुंच जाएगा। पहले यहां पे था, फिर रोटेट हो जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा, फिर और रोटेट करेगा, यहां पे पहुंच जाएगा, फिर और रोटेट करेगा, यहां पे पहुंच जाएगा। मतलब इसका जो प्रोफाइल है वो इस तरह से बनता है, इसका प्रोफाइल जो है वो इस तरह से बनता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इस तरह से बनता है। अगर मैं एक सर्कल यहां से ही रोटेट कराता हूं, आप फिगर में देख के रहोगे, डायग्राम में मैंने डायग्राम भी बनाई, यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते ये एक, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, धक्का देता हूं, तो यहां से वहां तक पहुंचते पहुंचते अपनी जगह पे वहां पर ये एक पाथ बनाएगा, वो इस तरह की होगी। इसको बोलते हैं, इसको साइक्लोइडल नहीं बोलते हैं। अभी मैं बताता हूं, ये बस मैं प्रोफाइल बताता हूं आपको कि किस तरह से हम ये जो साइक्लोइडल प्रोफाइल टीथ है, ये प्रोफाइल जो है ये एक्चुअली टीथ के डिजाइन है।
टीथ को, साइक्लॉइडल टीथ को डिजाइन करने के लिए पहले उनका जो प्रोफाइल है वो हमें समझना होगा, वो किस तरह से रोटेट करेगा, उसका प्रोफाइल कैसे बनेगा। आपको समझ आया कि ये पॉइंट जब यहाँ पहुंच जाएगा तो यही पॉइंट जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो यही पॉइंट जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसका जो पाथ है ना वो इस तरह से आएगा, इसमें किस इस तरह से इसका पाथ आएगा। फिर जब इस पॉइंट पे आएगा, जब जो वो सर्कल उसके अंदर जो पॉइंट है वो फिर से रोटेट करेगा तो फिर से इसी तरह बन जाएगा हमारे पास, इसी तरह से एक और कर्व बन जाएगा हमारे पास। अगर मैं इस कर्व का मिरर लेता हूँ, ये इस तरह से है, मैं इसका मिरर लेता हूँ, मिरर मतलब इसका अपोजिट वाला। अगर मैं मिरर के सामने इस तरह रखूंगा हाथ तो मुझे मेरा हाथ दूसरे साइड कैसे आएगा मिरर में, इस तरह से, सेम इज अ केस विद दिस। अगर ये मैं इसका मिरर रहता हूं तो वो इस तरह से आएगा। तो ये जो पाथ है दिस इज कॉल्ड साइक्लॉइड, ये जो पाथ ट्रेवल हो गई इसको बोलते हैं साइक्लॉइड, साइक्लॉइड प्रोफाइल। इस तरह की प्रोफाइल को क्या बोलते हैं, दिस प्रोफाइल इज कॉल्ड साइक्लॉइड प्रोफाइल। इसमें कितने कर्व्स होते हैं, दो कर्व्स, दिस कर्व एंड दिस कर्व, लेकिन इनके भी ना नेम है। इसको क्या बोलते हैं और इस वाली को क्या बोलते हैं, जो बॉटम में बन गया हमारे पास प्रोफाइल, जो बॉटम में हमारे पास कर्व बन गई उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिसाइक्लॉइड, इसको बोलते हैं एपिसाइक्लॉइड, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोसाइक्लॉइड। हाइपो मतलब जो नीचे होगा, बॉटम में जो हमारे पास प्रोफाइल बन गया वो बन गया हाइपोलॉइड, और जो ऊपर बन गया प्रोफाइल हमारे पास उसको बोलते हैं एपिसाइक्लॉइड। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। लाइन के ऊपर जो प्रोफाइल, अबाउट द लाइन, वो कौन सा है, एपिसाइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड। बिलो लाइन, जो लाइन के नीचे बन गया हमारे पास वो क्या बन गया, हाइपोसाइक्लॉइड, साइक्लॉइड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एपिसाइक्लॉइड को मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सर्कल है, उसके ऊपर से एक और सर्कल है, ये सर्कल जो है ये फिक्स्ड है। अगर मैं इस सर्कल को रोटेट कराता हूं, इस सर्कल पे मैं एक पॉइंट लेता हूं, किस सर्कल पे, इस छोटे सर्कल पे, इसमें एक पॉइंट लेता हूं, मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया, ये वाला मैंने कंसिडर किया, और इस सर्कल, ये सर्कल क्या करेगा, मूव। जब ये पॉइंट इस तरह से इसी जगह वापस आएगा तो इस तरह यहां पर आएगा, इस तरह से, तो एक इस तरह से बन जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई दिस पॉइंट। जब ये पॉइंट रोटेट करते 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 अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, तब तक ये सर्कल यहां पहुंच जाएगा, जो पाथ इसने फॉलो की वो इस तरह से होगी। जब ये यहां पे फिर से रोटेट करेगा, यहां से रोटेट करेगा और इसी जगह जब पहुंच जाएगा तो उस वक्त ये यहां पहुंचा हुआ होगा, ये पॉइंट इसका यहां पर पहुंचा होगा, तो इस तरह से ये अपनी पाथ बनाएगा। जब इस पॉइंट को, जहां पे ये पॉइंट है, इसको मैं रोटेट कराता हूं, किसको, इस छोटे सर्कल को, और ये इस विद दिस पॉइंट इट विल रोटेट, ये क्या करेगा, रोटेट कराएगा इस पॉइंट को साथ लेकर। जब ये पॉइंट जब अपनी जगह फिर से पहुंचेगा अपनी जगह पे तो उस टाइम यहां पर पहुंचा होगा, तो इस तरह से बनेगा, तो पॉइंट कहां पर आएगा, इसी तरह से जब एक बार और बार रोटेट करेगा इस तरह से यहां पे बन जाएगा, इस तरह से ये ऊपर है, इस सर्कल के ऊपर ऊपर से रोटेट हो रहा है, अंदर नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस सर्कल के ऊपर से रोटेट हो रहा है। ये जो शेप हमारे पास बन गई इस तरह से जो हमारे पास शेप बन गई इस तरह से, इसको बोलते हैं एपिसाइक्लॉइड। क्या बोलते हैं, एपिसाइक्लॉइड। इन केस अगर हमारे पास एक और क्या है, हमारे पास हाइपोसाइक्लॉइड,
ये वाला प्रोफाइल जो है ये सर्कल के ऊपर से बनता है और हाइपोसारकॉइड सर्कल के अंदर से बनता है, नीचे इनके सर्कल के अंदर से बनता है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, मैंने क्या किया था अभी यहाँ पे एक ये जो ये सर्कल है मैंने फिक्स्ड ले लिया था बड़ा वाला सर्कल, और ये जो सर्कल्स थे ये क्या थे फ्री टू रोटेट, क्या थे फ्री। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये फिक्स्ड ले लिया, अब मैं क्या करूंगा इसको फिक्स्ड लेता हूं, इस सर्कल को फिक्स्ड लेता हूं और अंदर से क्या करूंगा यहां पे एक पॉइंट लेता हूं। इस सर्कल ये जो सर्कल है इसके अंदर एक और छोटा सर्कल लिया मैंने और उसको रोटेट कराता हूं। जब तक ये सर्कल अपनी जगह से इसको रोटेट, जब ये रोटेट करेगा अंदर से, जब ये पॉइंट अपनी इसी पोजीशन पे पहुंचेगा तब तक ये सर्कल यहां पे पहुंचा होगा। तो इस तरह से बन जाएगा हमारे पास एक शेप, इसी तरह से क्या हो जाएगा तो यहां पहुंच जाएगा ये, यह फिर से रोटेट करेगा जब तक ये अपनी जगह पे ये पॉइंट फिर से वापस आएगा तब तक ये यहां तक रोटेट होगा। इस तरह से रोटेट करता करता इस तरह से ये शेप बन जाएगी। इसको क्या बन जाएगी, इसको कौन सी शेप बन जाएगी, इसको बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड। क्या बोलते हैं हाइपो, क्या बताया मैंने, इसमें से जो सर्कल है वो रोटेट करता है आउटसाइड द सर्कल और पाथ ट्रेस करता है। इसमें क्या होता है, सर्कल क्या करता है रोटेट्स इनसाइड द सर्कल, दिस पॉइंट रोटेट्स इनसाइड द सर्कल एंड ट्रेसेस दिस पाथ, दिस इज कॉल्ड हाइपोसाइक्लॉइड। रोटेट्स ऑन द सर्कल, रोटेट्स इनसाइड द सर्कल। हमने क्या देखा, हमारे पास एक का प्रोफाइल हमारे पास यह बन गया, इस तरह का प्रोफाइल बन गया। दूसरा प्रोफाइल क्या बन गया हमारे पास, इस तरह का एक प्रोफाइल इस तरह का बन गया दूसरा। ये मतलब इसमें कितनी कर्व्स हैं, दो कर्व्स। साइक्लॉइड गियर में कितनी कर्व्स होती है, दो कर्व्स। व्हाट इज साइक्लॉइड गियर, जो साइक्लॉइड प्रोफाइल है इट इज मेड अप ऑफ एपिसाइक्लॉइड प्लस हाइपोसाइक्लॉइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसी तरह से गियर्स को नहीं बना सकते। आपने देखा इन्वोल्यूट प्रोफाइल जो है उसमें सिर्फ एक कर्व थी, उसको मैन्युफैक्चर करना, कौन सी कर्व थी, कन्वेक्स, उसको मैन्युफैक्चर करना भी इजी था, क्यों, प्रेशर एंगल भी सेम थी। लेकिन इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस टाइप के जो गियर्स होते हैं इनको ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों, ये जब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग करने इसको, ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम इसको, ये डिफिकल्ट है। इसका मतलब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो बन जाएगी, बेचने की प्राइस वो ज्यादा रहेगी, लोग इसको नहीं खरीदे। लेकिन दिस साइक्लॉइड गियर, ये साइक्लॉइड गियर जो है इट इज वेरी मोस्ट, सबसे ज्यादा बेहतरीन जो गियर है वो साइक्लॉइड गियर है, साइक्लॉइड टाइप गियर। और मोस्ट वंडरफुल गियर्स, देन ऑल ये साइक्लॉइड जो गियर्स होती है इनको बड़ी मेहनत लग जाती है, इसलिए ये क्या है, ये वंडरफुल गियर। जो भी गियर्स है उन में से सबसे जो अच्छा गियर है वो साइक्लॉइडल गियर है, लेकिन इसको इस्तेमाल कम किया जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिकल कॉस्ट, ये बहुत एक्सपेंसिव है। इन्वोल्यूट जो है उसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इंटरफेरेंस है, उस इंटरफेरेंस को भी दूर कर सकते हैं हम, बहुत सारे मेथड्स है उस इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए। दिस इज मोस्ट वंडरफुल देन ऑल एंड नो इंटरफेरेंस, इसमें कभी इंटरफेरेंस नहीं हो जाती है। किसमें, साइक्लॉइड टाइप गियर जो है इस, ये क्या है, सबसे बेहतरीन गियर है। क्यों, एक तो ये बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, दूसरा क्या है, इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस, मैंने क्या बताया। लेकिन हम ज्यादातर इस्तेमाल, इट इज वेरी एक्सपेंसिव,
हम ज्यादातर कौन सा गियर इस्तेमाल करते हैं? इनवोल्यूट गियर। क्यों? उसकी जो इकोनॉमिकल कॉस्ट है वो बहुत कम है, इसकी क्या है बहुत ज्यादा है। इसको मैं लिखूंगा लीस्ट गियर इज नंबर वन, नंबर टू, नंबर थर्ड, लीस्ट प्रेफर्ड। क्यों? इकोनॉमिकल कॉस्ट, कॉस्ट इज हाई। इकोनॉमिकल कॉस्ट क्या है इसका? बहुत ही ज्यादा है इसका इकोनॉमिकल कॉस्ट, इसलिए इसको प्रेफर ज्यादा नहीं किया जाता है। तो हम ज्यादा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इनवोल्यूट, उस इंटरफेरेंस जो इसमें है उसको दूर कर सकते हैं हम बहुत सारे टोर्स और साइक्लोइड प्रोफाइल। आपको अच्छी तरह समझ आए कि साइक्लोइड जो प्रोफाइल है उसको समझना जो था वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन एग्जाम में नहीं आ सकता है वो। लेकिन मैं समझा रहा था आपको किस तरह से साइक्लोइड प्रोफाइल जो है वो किस तरह से बनता है, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल पे रोटेट करता है किस तरह से जो एपिसाइक्लोइड है वो बनता है, और हाइपोसाइक्लोइड जो अंदर से जो सर्कल है वो बनाता है क्या हाइपोसाइक्लोइड, उसकी शेप। अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज ए साइक्लोइडल प्रोफाइल। आपने देखा था कि जब हमने इनवोल्यूट प्रोफाइल को इस तरह की शेप दी, यहां पे जो हमारे पास ये था, यहां पे इनवोल्यूट प्रोफाइल में यहां पे वियर एंड टीयर ज्यादा होता था इनवोल्यूट प्रोफाइल में, और वो जो टीथ है वो खत्म हो जाता था। हमने उसी को एडवांस लेवल पे लाया उस गियर को, और एक और शेप बन गई हमारे पास साइक्लोइड प्रोफाइल। साइक्लोइड प्रोफाइल में क्या होता है, इसमें दो कर्व्स होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोइड प्रोफाइल जो है वो दो कर्व्स से बनती है। एक तो ये कर्व है यहां से यहां तक एक कर्व, यहां से यहां तक एक कर्व, और उसके बाद ये दूसरी कर्व है, ये दूसरी कर्व, और ये क्या है इसके अंदर से क्या है, ये पिच सर्कल है, पिच सर्कल। ये कौन सी शेप है? कन्वेक्स। और ये कौन सी शेप है? कनकेव। इसमें दो शेप्स होती है, कन्वेक्स और कनकेव। आप खुद अंदाजा लगाइए, इनवोल्यूट प्रोफाइल में सिर्फ एक शेप थी कन्वेक्स, उसको मैन्युफैक्चर करना बहुत इजी था, इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? इसमें दो शेप्स बनानी, एक कन्वेक्स और कनकेव, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन सब गियर्स में से, जितने भी गियर्स उनमें से सबसे बेस्ट गियर जो है वो यही है, लेकिन ये क्या, ये कॉस्टली है, इसलिए उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते। ये पोर्शन क्या है? एपिसाइक्लोइड जो इस तरह से बन रहा था ऊपर से, ये क्या है? हाइपोसाइक्लोइड जो नीचे से बन रहा था हमें, एपिसाइक्लोइड एंड दिस इज हाइपोसाइक्लोइड। दिस इज द प्रेशर एंगल, यहां पे भी प्रेशर एंगल है। इनवोल्यूट प्रोफाइल में क्या हो रहा था, प्रेशर एंगल जो थी वो सेम थी। इनवोल्यूट प्रोफाइल में क्या था, प्रेशर एंगल जो थी यहां पे वही यहां पे थी। ये क्या था? इनवोल्यूट प्रोफाइल, प्रेशर एंगल जिस यहां जो यहां पे थी वही यहां पे थी, सेम थी। लेकिन इसमें देखो प्रेशर एंगल कहां पे है, मैक्सिमम यहां पे, एंगेजमेंट पर और डिसएंगेजमेंट पर। ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं कल इसके लिए जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो लेके आऊंगा, आज मैं आपको बस सिखा रहा था। ये प्रेशर एंगल क्या होती है, मैक्सिमम किस पे, एंगेजमेंट पे और डिसएंगेजमेंट पे। उसके बाद क्या है, एक और पॉइंट, अगर आप यहां पे देखोगे प्रोफाइल यहां से यहां तक एक कर्व है, यहां से प्रोफाइल चेंज हो रही है। क्यों? यहां से सेकंड कर्व है, प्रोफाइल जो है वो चेंज हो रही है, उसका मतलब क्या है, प्रेशर एंगल भी चेंज हो जाएगी इसमें, प्रेशर एंगल क्या हो जाएगी, चेंज। लेकिन वो मैक्सिमम है, सेम नहीं है, जो प्रेशर एंगल है जिस तरह से यहां इसमें सेम है, इसमें सेम नहीं है, सिर्फ यहां पे और यहां पे मैक्सिमम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, एट पिच पॉइंट, एट पिच पॉइंट दोनों में से किस प्रोफाइल की जो प्रेशर एंगल है वो जीरो के बराबर होती है, वो है साइक्लोइड प्रोफाइल। साइक्लोइड जो पिच पॉइंट होता है, एक पिच पॉइंट जहां पे ये गियर्स मीट करते हैं दोनों, पिच पॉइंट उसको बोलते हैं, पिच पॉइंट वहां क्या होती है, इसकी प्रेशर एंगल जीरो के बराबर।